They want a bite from you. नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पार्टनर्स का, मिस्टर गुंजन भारद्वाज और मिस्टर फ्रांसिस्को, जो स्विट्ज़रलैंड से आए हैं. क्यूरिया ऐप एक इन्फॉर्मेशन ऐप है जिससे आप कैंसर की जांच ले सकते हैं, किस अस्पताल, क्या बीमारियां. जब मुझे बीमारी हुई थी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं उस टाइम पर, तो हमारी फाउंडेशन को बहुत बेनिफिट करेगा. हम चाहते हैं कि हमारी फाउंडेशन और क्यूरिया ऐप के साथ बहुत से लोग ठीक हों. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. उसकी बीवी की वजह से मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसको आइडिया आया था और ये पार्टनर्स आ गए और उसका चैरिटी के साथ और लॉन्च कर रहे हैं. क्योंकि जब हम कोई बीमारी है, पहले चीज़ हम इंटरनेट गूगल करते हैं और कभी कभी अच्छा दिखाते हैं. क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैं हिंदी बात कर रही हूँ. अच्छी चीज़ कह रही हूँ. हाँ, पहले चीज़ जो हम करते हैं, हम गूगल करते हैं और कभी कभी हम और डर जाते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया. कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं. तो एक ऐप इसके जैसे है, बहुत अच्छा आइडिया है कि जो भी बीमारी है थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. और अगर कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, रिएक्शंस क्या है, रिकवरी क्या है. क्योंकि कैंसर की जगह में बहुत अलग अलग चीज़ है, ट्यूमर्स है, लाइक नॉन कैंसरस ट्यूमर्स है, सारे इन्फॉर्मेशन जो हम सोच नहीं सकते. तो आई थिंक इट्स अ लवली आइडिया और मैं बहुत प्राउड हूँ. आप क्यूरिया पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. वहाँ पर एक अमृत कॉइन भी है. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि बहुत लोगों से डेटा भी लेते हैं और अमृत एक कॉइन है जो आपको अपना डेटा देने के लिए आपको पैसे भी देगा. सो आई थिंक उसके हिसाब से दे विल बिल्ड यू नो मेडिसिन या जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी. बट क्यूरिया ऐप इज जस्ट बेसिकली फॉर इन्फॉर्मेशन, क्या हॉस्पिटल्स, क्या ट्रीटमेंट, क्या डॉक्टर्स. तो अब स्ट्रेट अवे, क्योंकि हमारी फाउंडेशन को बहुत से फ़ोन आते हैं कि हमारे डॉक्टर ने ये बोला, फर्स्ट ओपिनियन, तो हमारा सेकेंड ओपिनियन होता है या थर्ड ओपिनियन होता है कि आप इस डॉक्टर के पास जाइए. तो हमको ऐसी रोज़, मेरे को पर्सनली इतनी कॉल आती है, फाउंडेशन को रोज़ 100 से ज़्यादा कॉलें आती होंगी. तो हम ये चाहते हैं कि जो बड़े सेंटर हैं या छोटे सेंटर हैं, छोटे सेंटर वाले लोगों को ज़रा दूर ट्रैवल ना करना पड़े ट्रीटमेंट के लिए. सो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. और जितना कम तकलीफ़ हो, बिकॉज वैसी कैंसर करके बहुत तकलीफ़ है, जितना कम तकलीफ़ हो ट्रैवल करने में और जल्दी से जल्दी डॉक्टर मिले, सही अस्पताल मिले, वही हमारी यूवी कैन फाउंडेशन और क्यूरिया ऐप इकट्ठे करना चाहती है. बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरी जर्नी रही है थ्रू कैंसर और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस कॉज में. और जितने भी लोग जो जो अपनी बीमारियों से गुजरे हैं वो भी अपनी फाउंडेशन बनाएं और जो लोग की मदद करनी चाहिए उनकी मदद करें.